उज्जैन में तेज बारिश के बीच महाकाल मंदिर के गेट नंबर 4 के पास एक दीवार गिर गई, जिसके मलबे में दबने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक महिला और 3 साल की बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इंदौर रेफर किया गया है। इस बीच लोगों ने शव सड़क पर रखकर चक्का जाम किया और मृतकों के परिजनों को 50 लाख की आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी देने की मांग की। महाकाल मंदिर के पास दीवार गिरने की जानकारी लगते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और तेज बारिश के बीच ही राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। घायलों को मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि महाकाल मंदिर के पास महाकाल फेज 2 का काम चल रहा है। वहीं भारी बारिश के चलते पानी के तेज बहाव से वॉल ढह गई। इसके चपेट में आने से वहां नीचे दुकान लगाकर बैठे 4 लोग दब गए। उज्जैन कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने कहा कि SDM इस पूरे मामले की जांच करेंगे। वहीं CM डॉक्टर मोहन यादव ने घटना पर दुख जताया। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की, जबकि लोगों ने मृतक का शव रख कर चक्का जाम किया और मृतकों के परिजनों को 50 लाख की आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी देने की मांग की। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।